प्रतीकात्मक संरचनाएं भी बन रही हैं। ऐसी ही एक परियोजना जिस रास्ते पर भगवान राम ने वनवास के दौरान अयोध्या से रामेश्वर तक का रास्ता तय किया था, अब रास्ते पर 290 श्री राम स्तंभ स्थापित करने की है। बलुआई पत्थर से बना परियोजना का पहला स्तंभ एक खास ट्रक से राजस्थान के माउंट आबू से अयोध्या पहुंचा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के साथ साथ कई प्रतीकात्मक संरचनाएं भी बन रही हैं। ऐसी ही एक परियोजना जिस रास्ते पर भगवान राम ने वनवास के दौरान अयोध्या से रामेश्वरम तक का रास्ता तय किया था, उस रास्ते पर 290 श्री राम स्तंभ स्थापित करने की है। बलुआही पत्थर से बना परियोजना का पहला स्तंभ एक खास ट्रक से राजस्थान के माउंट आबू से सोमवार को अयोध्या पहुंचा। यह स्तंभ जो चला है राजस्थान माउंट आबू से चला है और ये अयोध्या कार्तिकपुरम में पहुंच चुका है। 1200 किलोमीटर की यात्रा करके ये स्तंभ आया है। स्तंभ की संरचना की बात करें तो ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। लगभग 1000 वर्ष इसकी आयु है। इस पर एक कोटिंग करी है जिसकी वजह से इस पर कोई भी प्राकृतिक जो चीज़ें हैं जैसे कि काई वगैरह लगना कुछ भी होना तो उस पर नहीं होगा, उसका कोई असर नहीं होगा। पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख अशोक सिंघल फाउंडेशन कर रहा है। इसका गठन श्री राम जन्मभूमि समिति के पूर्व अध्यक्ष की याद में किया गया था। इसमें भव्यता और सुंदरता के लिए जो सूर्यवंशी के जो जो जो, जो चिन्ह है जैसे कि धनुष है, प्रभु का जो जो मस्तक पर जो तिलक होता था, ऐसी चीजें इसमें इंगित करी गई हैं। 1.5 से 4 फीट का ब्रास का एक ध्वज भी लगेगा जो स्तंभ के ऊपर हिस्से में लगेगा। अगर स्तंभ की बात इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो स्तंभ की जो लंबाई है वो लगभग 15 फीट है और इसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 फीट है। प्रार्थना और अनुष्ठान के बाद स्तंभ को अयोध्या के पास मणि पर्वत पर स्थापित किया जाएगा।